एंटोमोलॉजी की आज की इस क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे एनिमीज ऑफ लैक इंसेक्ट्स, मतलब जो लाख कीड़े के प्रमुख कौन कौन से शत्रु है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट प्रीडेटर्स पैरासाइट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन लोग पढ़ाई करेंगे है? तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग वर्टिब्रेट एनिमीज ऑफ लैक इंसेक्ट्स है, कौन कौन से जो है वर्टिब्रेट है ना अकशेरुकी जो है कशेरुकी शत्रु है ना लैक इंसेक्ट्स के, उसमें प्रमुख रूप से आता है स्क्वायरल्स है ना, गिलहरी ठीक है, छिपकली रैट्स चूहे, ये जो है ये आप जो भी ब्रूड स्टिक्स लगाते हैं अपन है ना, जो इनोकुलेशन करने के लिए जिस स्टिक को होस्ट प्लांट्स लगाया जाता है उसको अपन लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसको ब्रूड स्टिक्स बोलते हैं ना, तो वो जो है ब्रूड स्टिक्स को स्क्वायरल्स और रैट्स जो होते हैं वो लगभग लगभग 50% तक डैमेज कर देते हैं ना? और स्क्वायरल्स आपको मालूम है गिलहरी जो होती है ना वो लगभग लगभग जो है क्या दिन के समय में आप लोग देखते हैं उसको, दिन के समय में एक्टिव रहती है ठीक है, और जो है आपका दिन के समय वो उस ब्रूड स्टिक्स को लैक इंसेक्ट्स को डैमेज करती है, जबकि रैट्स जो होता है वो कब एक्टिव होता है रात के समय है ठीक है, तो रैट्स जो है वो विलेजेस गांवों के आसपास ज्यादा डैमेज करता है, जबकि स्क्वायरल्स जो होती है वो फॉरेस्ट कंडीशंस में है, होस्ट प्लांट्स होते हैं बेल पलास कुसुम है उनपे जो लैक इंसेक्ट्स होते हैं उनको डैमेज करने का कार्य करती है। और आपको इसके कंट्रोल के बारे में बता दें कि स्क्वायरल्स और रेड्स का जो ओपन फील्ड कंडीशंस में कंट्रोल करना संभव नहीं होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको कंट्रोल करना ठीक है, फिर भी उसके अलावा अपन चाहें तो कुछ पॉइजनिंग का या फिर कुछ जालियां है ना जैसे चूहे पकड़ने की जो आती है ना ठीक है उनका इस्तेमाल करके है ना, या चूहों को या स्क्वायरल्स को कुछ बाजा बजा करके उसको डरा करके है ना डरा करके, या फिर उनको कुछ पॉइजन बैट्स है ना जिंक फास्फाइट एल्युमिनियम फास्फाइट दे करके जो है हम लोग रोडेंट्स के अटैक को कम कर सकते हैं ठीक है। तो ये वर्टिब्रेट्स के बाद आता है नंबर पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स है ना, तो आपको ये पता ही है कि पैरासाइट्स जो होते हैं मोस्टली जितने भी पैरासाइट्स होते हैं जो कि लैक इंसेक्ट को जो डैमेज करते हैं है ना वो हाइमोनोप्टेरा ऑर्डर के ज्यादातर होते हैं ना ठीक है, ये इसमें एक लिस्ट दी है ये देखिए यहाँ पे है ना, जो कि लैक इंसेक्ट्स को लैक इंसेक्ट्स के ऊपर पैरासाइट का रूप का के जैसा काम करते हैं, ब्रेकॉन ग्रीनी है ना एटोरोपेटस आउटेफोली है ना, ये सब क्या है हाइमोनोप्टेरा फैमिली एंटिटी उसकी है, कोकोपेकस ट्री है ना कैम्पो कैम्पिलोनेरस इंडिकस ब्रेकॉन ग्रीनी ये सब क्या है, ये जितने हैं वो पैरासाइट्स हैं है ना, और भी पैरासाइट्स हैं एर्नेटिटस बेची है ना, ये जब जितने भी जो है एंक्विटिटी फैमिली के और हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स हैं जो कि लैक इंसेक्ट्स को क्या करते हैं लैक इंसेक्ट्स को पैरासाइट करते हैं, इनमें से तो सबसे प्रमुख जो है वो है टेकेरेडी फेगस टेकेरेडी है ना टेकेरेडी फेगस टेकेरेडी है ना, और दूसरा जो है टेट्रास्टिकस या इसी को बोलते हैं एप्रोस्टोकट है ना पुरपुरियंस है ना पुरपुरियस ठीक है, ये जो है ये दो प्रमुख रूप से जो पैरासाइट्स हैं है ना ठीक है, जिसमें ये टेकेरेडी फेगस टेकेरेडी और टेट्रास्टिकस पुरपुरियस ये दो जो है मोस्ट अबेंडेंट होते हैं लैक इंसेक्ट्स के सबसे प्रमुख पैरासाइट्स हैं है ना, और ये क्या करते हैं ये पैरासाइट्स जो लैक इंसेक्ट्स की जो सेल्स होती है ना ठीक है, ये पैरासाइट्स अपने जो एग्स हैं वो लैक सेल्स में दे देते हैं है ना, और जो इस पैरासाइट्स के जो भ्रम निकलते हैं है ना ठीक है, वो विद इन सेल लैक इंसेक्ट्स की सेल के अंदर रह करके लैक इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करने का कार्य करते हैं है ना, तो ये देखिए ये चित्र दिया है टेकेरेडी फेगस टेकेरेडी ये देखिए ये चित्र दिखा रहा है ना हाइमनोपेरन्स है ये, और दूसरा जो है
आपका ये एप्रोस्टिगस या टेट्रास्टिगस पुरपुरियस है ना, ये एडल्ट फीमेल है टेट्रास्टिगस की। ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है ना, माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स हैं, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका दिख रहा है 1 mm, 1 mm से भी कम दिख रहा है, बहुत छोटे होते हैं। पैरासाइट्स के बाद बारी आती है प्रेडेटर्स, है ना। प्रेडेटर्स आपको मालूम पर भक्षी की है ना, जो कि क्या करेंगे, लैक इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करेंगे, लैक इंसेक्ट्स को अपना भोजन बना लेंगे, उसके ऊपर वो क्या करेंगे, प्रे का कार्य करेंगे और लैक इंसेक्ट्स को खत्म कर देंगे, है ना। ठीक है, तो ये जो प्रेडेटर्स होते हैं लगभग 30 से 35%, है ना, 30 से 35% जो है लैक इंसेक्ट्स की सेल्स को डैमेज करते हैं, है ना। इसमें जो है कई सारे ऐसे प्रेडेटर्स हैं जिनमें प्रमुख रूप से जो इंसेक्ट प्रेडेटर है वो है यूब्लेमा एमाबिलिस। प्रेडेटर जो है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर नॉक्टिडी फैमिली का इंसेक्ट है, जो कि लैक इंसेक्ट्स के ऊपर प्रेडेटर का कार्य करता है। इसके अलावा और भी स्पीशीज हैं, यूब्लेमा फॉक्सिडी फेगा, यूब्लेमा क्रिटेशिया, यूब्लेमा स्किटुला, है ना। तो ये मेन रूप से यूब्लेमा ही मेजर जो है, यूब्लेमा एमाबिलिस जो है ये मेजर प्रेडेटर हुआ करता है, होता है। दूसरा है सुडो हाइपेटोपा फुलवीरिया, है ना, ये लेप्टोप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, फैमिली है ब्लास्टोबैसिडी, है ना। ठीक है, इसके अलावा और भी है क्रिप्टोलेबस, कैटाब्लेमा, ये जो है ये भी इंसेक्ट जो है प्रेडेटर का कार्य करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं ना, प्रोडोस्पर्स हेलकेटिया, है ठीक है, क्राइसोपा, लेसिफेरगा यूवेनिया, सिल्वेनस आईडी, ट्राइबोलियम परजियनम, है ना। तो इस प्रकार से ये 16 इंसेक्ट्स जो है वो प्रेडेटर के रूप में कार्य करते हैं। तो मेजर है इसमें यूब्लेमा एमाबिलिस, ये देखिए इंसेक्ट की फोटो दिखा दी है, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूब्लेमा एमाबिलिस है ना, ये एडल्ट है ना, यूब्लेमा एमाबिलिस का। तो यूब्लेमा एमाबिलिस और जो सुडो हाइपेटोपा फुलवीरिया है ना, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव की पेस्ट होते हैं लैक इंसेक्ट्स के, है ना। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग यूब्लेमा एमाबिलिस, है ना, ये जो है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्रेडेटर है लैक इंसेक्ट्स का, है ना। ठीक है, और ये जो है कतकी और अग्नि लाख खराब जो होती है उसको प्रमुख रूप से डैमेज करने का कार्य करता है ना। ठीक है, मतलब कतकी और अग्नि वाली जो फसल है उनको ज्यादातर नुकसान पहुंचाता है। इसकी लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल के बारे में देखा तो एक सिंगल फीमेल मॉथ जो होती है वो क्या करती है, बेस फ्लैट चपटे और राउंडेड अंडे देती है, सिंगल ही अंडे देती है। कहां पे देती है, लैक इंसेक्ट्स की सेल्स में, है ना, लैक इंसेक्ट की सेल्स पे ये सिंगल अंडे उसकी फीमेल देती है यूब्लेमा की, है ना। और जो न्यूली हैच्ड लार्वी होती है वो लगभग 0.51 से 0.54 मिलीमीटर लंबी होती है यूब्लेमा की, है ना। ठीक है, और ये जो है जब लार्वी निकलती है ना, ठीक है, एग से यूब्लेमा की, तो ये जो है आपका जो भी सेल्स की ओपनिंग है या उसके अंदर टनल बना करके होल करके उस एंटरस्टेशन के अंदर घुस जाती है, और एक लार्वी लगभग लगभग अपने जीवन चक्र में जो है जब वो लार्वल पीरियड रहता है उस समय में 40 से 60 लाख इंसेक्ट सेल्स को उसके पूरे लार्वल पीरियड के समय में डैमेज करने का कार्य करती है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा डैमेज करने का कार्य यूब्लेमा द्वारा किया जाता है। इसकी जो है ना प्रमुख रूप से जो होती है 6 जनरेशन होती है एक साल में, और हर जो जनरेशन का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो लगभग लगभग ये देखिए 37 दिन, 45 दिन, 42 दिन, 125 दिन, 80 दिन और 40 दिन होती है। मतलब पहला जनरेशन उसका जो होगा वो उसकी अवधि होगी 37 दिन, दूसरे जनरेशन की 45 दिन, तीसरे जनरेशन की 42 दिन, चौथे जनरेशन की 125, पांचवें जनरेशन की 80 दिन और छठवें जनरेशन की अवधि जो है वो 40 दिन की होती है, है ना। और इसका जब यूब्लेमा का अटैक होता है तो लैक इंसेक्ट्स की जो सेल्स होती हैं उस सेल्स को देख करके हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यूब्लेमा का डैमेज है
ना, वो कैसे करेंगे कि जो पिंकिश कलर, वो जो सेल्स हैं है ना, वो आपका पिंकिश कलर की हो जाएंगी, गुलाबी रंग की उनकी सेल्स हो जाती हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जो आपका एक्सक्रीटा होता है ना, ठीक है, लैक सेल्स के अंदर जो है वो कैसा होता है, पिंक कलर का रहता है। पिंक कलर का रहने के कारण से वो इजिली आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे आपको जब कभी सेल्स का पिंक कलर दिखाई दे, समझ जाइए कि यूवलेमा का अटैक हुआ है ना? दूसरा जो प्रेडेटर है वो है सुडो हाइपे टोपा फुलुरिया है ना। ये जो है फीड करता है लाइव और डेड लैक इंसेक्ट्स को, जो मर जाते हैं उनके ऊपर भी फीड करने का काम करता है ना। खासकर स्टोर्ड लैक, जहां लाख इकट्ठा किया जाता है, वहां पे इसका अटैक ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको स्टोर्ड लैक का प्रमुख कीड़ा कहा जाता है ना। स्टोर्ड लैक का प्रमुख इंसेक्ट है ये प्रेडेटर है, जो कि स्टोर में ज्यादातर लगता है। सुडो हाइपेटोपा फुलुरिया है ना। ये जो है ओवल शेप के, लगभग एग का जो साइज होता है 0.5 mm से 0.3 mm है ना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, कलरलेस एग्स जो है, सिंगल और सिंगल ही, इसके भी एग्स सिंगल ही दिए जाते हैं लैक इंसेक्ट्स की आपका इस पे सेल्स पे है ना। और लार्वी पास नॉर्मली थ्रू 5 instars है ना, ठीक है। और लेकिन जो हाइबरनेटिंग लार्वा होता है उसमें 5 instars की जगह 9 instars में इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। लार्वल पीरियड जो है 9 instars में कंप्लीट होता है। न्यूली हैच लार्वा जो होता है वो लगभग 1.35 mm लॉन्ग होता है, जबकि मेच्योर लार्वा जो होता है वो 10 से 12 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर की चौड़ाई वाला होता है ना। लार्वल स्टेजेस फीड ऑन द लैक लार्वी, यानी स्किन से लूज फेयर लैक लार्वी के ऊपर फीड करेगा, प्रेडेटर है जैसा कि हमको पता ही है ना। और ये क्या करता है, जो हल्का सा जाला बुनता है और वो जाला बड़ा लूज रहता है, टाइट जाला नहीं रहता है ना, ठीक है। और एक सिंगल लार्वल प्रेडेटर जो होता है वो लगभग 45 से 60 मैच्योर लैक सेल्स को जो है डैमेज करता है। मतलब सुडो हाइपेटोपा फुलुरिया का जो सिंगल लार्वा है ना, वो 45 से 60 मैच्योर लैक सेल्स को डैमेज करने का कार्य करता है। तो ये हो गया आपका पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स। अब बात आती है पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की है ना। तो प्रिवेंटिव मेजर्स अपने को यूवलेमा है ना, या जो सुडो पल्वा उसका फुलुरिया का अटैक होने के पहले या पैरासाइट्स का अटैक होने के पहले हम क्या क्या मेजरमेंट अपना सकते हैं ताकि इसका अटैक ना हो, तो वो मेजर कहलाते हैं मेजरमेंट, वो मेजर्स कहलाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स ना। पैरासाइट्स और प्रेडेटर फ्री फूड लैक है ना, ऐसे हमको फूड लैक का इस्तेमाल करना है जो उसमें कि पैरासाइट्स और प्रेडेटर ना लगा हो है ना। वो पैरासाइट प्रेडेटर से फ्री फूड लैक का यूज हमको इनोकुलेशन के लिए करना है, ठीक है। और स्वयं सेल्फ इनॉकुलेशन, टाइप्स ऑफ इनॉकुलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, सेल्फ इनॉकुलेशन है ना। तो लैक क्राफ्ट का जो है सेल्फ इनॉकुलेशन अवॉइड करना चाहिए है ना, ठीक है। कि लैक अपने आप से वो इनॉकुलेट कर रहे, नहीं, हमको अपने रूप से आर्टिफिशियल इनॉकुलेशन करना है। फूड लैक लाना है और लाख लाख करके फूड लैक को देखना है और उसमें पैरासाइट प्रेडेटर या किसी प्रकार का कोई अटैक तो नहीं है ना, वो फ्री फ्रॉम जो है पैरासाइट एंड प्रेडेटर है, तब हम उसको आर्टिफिशियल इनॉकुलेट करेंगे है ना, ठीक है। और जो भी ब्रूड बंडल्स अपन लोग इनॉकुलेटेड करने वाले हैं है ना, ठीक है, और उसको जो है अपने को होस्ट ट्री के पास जो है कैप्ट ऑन द होस्ट ट्री फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ है ना, कम से कम समय के लिए उसको हमको उसके पास रखना है ना। फुनकी जो भी हार्वेस्टेड, आपको बताया था फुनकी लैक, हैरी लैक पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो जो भी जो है उनकी है ना, उनकी जो मैच्योर्ड लैक लैक है ना, उनको हार्वेस्टिंग जो है उनकी जो है वो रिमूव कर लेना है ना, ठीक है। फ्रॉम द इनोकुलेट ट्री इन 2 to 3 weeks time है ना, 2 से 3 सप्ताह पहले हमको उनकी उतार लेना है, उनकी निकाल देना है 2 से 3 सप्ताह पहले है ना, ठीक है। और जो कुसमी स्टेम है,
उसको हमको क्या करना, कल्टीवेशन ऑफ कुसमी स्टेन ऑफ ब्लैक शुड बी अवॉइडेड इन प्रीडोमिनेंटली रंगनी एरिया, एंड रंगनी एरिया में कुसमी का कल्टीवेशन को अवॉइड करना है, और सेम वही चीजें जो है कुसमी के जगह पे हमको उस एरिया में जहाँ रंगनी लगाना है उसको अवॉइड करना है ना, वाइस वर्सा। अब बात होती है प्रिवेंटिव और मैकेनिकल कंट्रोल। तो मैकेनिकल कंट्रोल मतलब हमको क्या करना है, जो नायलोन की जाली होती है ना, बैग होते हैं, उसमें किसका मैश का साइज क्या रहेगा, 60 मैश सिंथेटिक नेटिंग है ना, जिसको बोला जाता है आपको ब्रूड बैग भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो ब्रूड स्टिक रखते हैं है ना इनॉक्युलेट करने के लिए, वो जो जाली का बैग है उसको 60 मैश का रखना चाहिए है ना, ठीक है, इसके लिए इनॉक्युलेशन, जिसके कारण से क्या होता है 60 मैश साइज में इसके अंदर जो है ना साइज इतना छोटा रहता है जाली का कि इसके अंदर यूग्लेमा और वो जो है आपका दूसरे पैरासाइट्स जो है वो घुस नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको जो है, और जो इमर्जिंग लाख लार्वी जो है ना इजिली क्राउल हो जाती है, आपको मालूम क्राउल होती है ना, मणिपुर से लार्वा लैक का तो निकल आता है, लेकिन इन पैरासाइट प्रेडेटर का लार्वा इसके अंदर घुस नहीं पाता है। तो 60 मैश जो जाली होती है उससे लार्वा का जो लैक इन्फेक्ट का लार्वा है वो तो इजिली इमर्ज हो जाता है, और जा करके अपनी जगह जहाँ भी ट्रीट्स में उसको लोग लैक होस्ट प्लांट्स में जहाँ उसको सेटल होना है वहां सेटल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो एडल्ट प्रेडेटर की जो एनबीज का जो एडल्ट होता है वो इस 60 मैश की साइज से नहीं निकल पाता है ना, ठीक है, और इसीलिए जो है वो वहीं पर वहीं उस बैग के अंदर ट्रैप होकर के डूब जाता है। तो इस तरीके से हमको 60 मैश सिंथेटिक नेटिंग बैग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर अपनी बात आती है बायोलॉजिकल कंट्रोल है ना, तो इसका जो एग पैरासिटाइट्स होता है क्या होता है, ट्राइकोग्रामा एकेई है ना, ट्राइकोग्रामा एक्जिगुअम और ट्राइकोग्रामा ऑस्ट्रिनी है ना, ये क्या होता है आपका यूग्लेमा एमाबिलिस के एग के ऊपर ये पैरासिटॉइड जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं ट्राइकोग्रामा के, और यूग्लेमा एमाबिलिस के अंडों को खत्म कर देते हैं है? इस तरीके से हम लोग यूग्लेमा एमाबिलिस का मैनेजमेंट इस एग पैरासिटाइड ट्राइकोग्रामा एकी, ट्राइकोग्रामा एक्जिगम एंड ट्राइकोग्रामा ऑस्ट्रिनी की सहायता से कर सकते हैं ना, ठीक है। जो यूग्लेमा एमाबिलिस की पॉपुलेशन 77 से 86% रंगनी क्रॉप में कम की जा सकती है, और 52 से 72% कुसुम क्रॉप में की जा सकती है, जब हम जो है एक बुश पर बुश में 20 एग पैरासिटाइट, यही जो है ना ट्राइकोग्रामा का 20 एग पैरासिटाइट का हम लोग जो है उसके ऊपर इनॉक्युलेशन करें, तो जो है हम लोग यूग्लेमा एमाबिलिस से कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। बात आती है लास्ट मूवमेंट्स पे, सबसे लास्ट आईपीएम हम प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, उसके बाद केमिकल मैनेजमेंट है ना, तो लैम्डा साइहैलोथ्रीन, ठीक है, तो पेंट्रॉक्स, डीडीबीपी, इंडोक्साकार्ब, स्पिनोसेट, फिप्रोनिल है ना, एल्फा मेथ्रीन है ना, इनको सबको हमको क्या करना है, जब किसी भी तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो एट द लास्ट हम इन केमिकल्स का इस्तेमाल आईपीएम प्रोग्राम में कर सकते हैं, और इन केमिकल्स के इस्तेमाल करते हुए जो है हम जो प्रेडेटर्स हैं ना, ठीक है, बगैर लैक इंसेक्ट्स को डैमेज किए हुए इन प्रेडेटर्स को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रमुख रूप से कौन कौन सी एनिमीज हैं, कौन से जो शत्रु हैं जो कि लैक इंसेक्ट्स को प्रभावित करते हैं, लैक कल्चर को प्रभावित करते हैं।